हेलो बच्चों मैं अग्रवाल रुचि आप सभी का स्वागत करती हूं तो बच्चों हम पढ़ रहे थे हमारा सिक्स चैप्टर जिसका नाम है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार बच्चों इसके लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि किस प्रकार से हम कुल संप्राप्ति वक्र प्राप्त करते हैं एकाधिकार में और उसके आधार पर हम किस प्रकार से औसत संप्राप्ति वक्र प्राप्त करते हैं हमने पढ़ा था कि कुल जो संप्राप्ति वक्र है उसके किसी बिंदु पर यदि हमें ए आर अर्थात औसत संप्राप्ति ज्ञात करनी है तो उस बिंदु से हम मूल बिंदु की तरफ एक रेखा खींचेंगे और उस रेखा की जो प्रवणता अर्थात उसका जो ढाल होता है वो ही औसत आगम होता है अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि कुल संप्राप्ति औसत संप्राप्ति और सीमान संप्राप्ति में क्या संबंध है साथ ही सीमान संप्राप्ति को हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं सीमान संप्राप्ति का मांग की लोचकी के साथ क्या संबंध है इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे तो शुरू करते हैं कुल संप्राप्ति औसत संप्राप्ति और सीमान संप्राप्ति तो बच्चों सीमान संप्राप्ति अर्थात एम आर मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती है तो एक अतिरिक्त इकाई की यदि बिक्री होती है तो हमारे जो कुल आगम अर्थात कुल संप्राप्ति में क्या होगा परिवर्तन होगा तो एक अतिरिक्त इकाई में बिक्री से कुल आगम में अर्थात कुल संप्राप्ति में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम सीमान संप्राप्ति कहते हैं एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से कुल संप्राप्ति में परिवर्तन को सीमांत संप्राप्ति कहते हैं एम कैसे ज्ञात करते हैं डेल्टा टी आर अर्थात कुल आगम में होने वाला परिवर्तन और डेल्टा क्यू एक अतिरिक्त इकाई के बिक्री से माना कि एक व्यक्ति है जो कि क्या कर रहा है इस पेन की चार इकाई को बेच रहा है हम उदाहरण भी देख लेते हैं चार इकाई को बेच रहा है तो उसको अड़तालीस रुपये मिल रहे हैं ठीक है अब उसने क्या किया इसकी पांचवी इकाई बेची अरे बच्चों समझ में तो उसको मिल रहे हैं साठ अर्थात यहाँ पर उसका टी था अड़तालीस यहाँ पर उसका टी आर बदल कर हो गया है साठ कुल आगम कितना था पहले अड़तालीस अब कितना हो गया है साठ अर्थात बारह का क्या हो रहा है परिवर्तन तो ये जो बारह है वही क्या कहलाएगा सीमांत संप्राप्ति अर्थात एक अतिरिक्त इकाई की जो बिक्री हुई उससे कुल संप्राप्ति में जो परिवर्तन हुआ उसे हम कहते हैं सीमांत संप्राप्ति या मार्जिनल रेवेन्यू या सीमांत आगम याद रहेगा आपको इस तरीके से इसका ये फॉर्मूला होता है ठीक है बच्चों इसके बाद है जैसे जैसे विक्रय की मात्रा में वृद्धि होती है कुल संप्राप्ति में भी धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है हमने पिछले वीडियो में कुल संप्राप्ति का हमने डायग्राम बनाया था किस तरीके से बनता है हमने इस तरीके से बनाया था टी और ये क्यों तो हमने बताया कि जैसे जैसे हम विक्रय की इकाई मात्रा को बढ़ाते चल जाएंगे तो कुल संप्राप्ति प्रारंभ में क्या होती है बढ़ती हुई होती है है उसके बाद वो क्या हो जाती अधिकतम हो जाती है और उसके बाद क्या होती है घटने लगती है यही हमने बात की थी तो यहाँ तो पर है कि जैसे जैसे विक्रय की मात्रा में वृद्धि होती है कुल संप्राप्ति में भी क्या होती है धीरे धीरे वृद्धि होती है और बाद में इसमें क्या आने लगती है गिरावट आनी शुरू हो जाती है बाद में क्या होती है गिरावट अब हमने ये देखा कि जो सीमान प्राप्ति है वह कुल संप्राप्ति से क्या है संबंधित है जब कुल संप्राप्ति में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है देख रहे हो ना आप कुल संप्राप्ति क्या हो रही है बढ़ती चल जा रही है तो सीमांत संप्राप्ति में भी क्या होगा परिवर्तन होगा जब कुल संप्राप्ति जो अधिकतम है तो सीमांत संप्राप्ति है वो भी परिवर्तित होगी और इसी प्रकार से जब कुल संप्राप्ति घटती है तो सीमांत संप्राप्ति में भी क्या होगा परिवर्तन अब ये परिवर्तन कैसे होगा वो निर्भर करता है कि टी में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है इसका अवलोकन सीमांत संप्राप्ति के मूल्य के माध्यम से क्या कर सकते हैं कर सकते हैं हम ये देख सकते हैं कि जो सीमांत संप्राप्ति में जो परिवर्तन हो रहा है उसके आधार पर हम ये देख सकते हैं कि कुल संप्राप्ति किस प्रकार से परिवर्तित हो रही है क्योंकि हमने यहाँ उदाहरण में देखा कि जो सीमांत संप्राप्ति है अरे बच्चों की अतिरिक्त इकाई के विक्रय से कुल आगम में होने वाला जो परिवर्तन है वही क्या होता है सीमांत संप्राप्ति होती है यहाँ पर है कि सीमांत संप्राप्ति वक्र के मूल्य को कुल संप्राप्ति वक्र की प्रवणता के द्वारा दर्शाया जाता है हमने हमारा जो ये कुल आगम वक्र जो बनाया है टी इसका जो ढाल है वो दर्शाता है सीमान संप्राप्ति वक्र को अर्थात एम को ठीक है बच्चों याद रहेगा कि हम क्या करेंगे जो इसका जो ढाल है मान लिया कि हमें इस बिंदु पर क्या ज्ञात करनी है एम ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे इसके समक्ष क्या खींचेंगे खींचेंगे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे इस स्पर्श रेखा का जो ढाल है वो क्या दर्शाएगा एम को दर्शाएगा यदि हमें इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करनी है एम अर्थात सीमान संप्राप्ति ज्ञात करनी है तो हम इस बिंदु के समक्ष एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और इस स्पर्श रेखा का ढाल ही क्या बताएगा सीमान को बताएगा तो सीमान रेखा का जो ढाल है वो सीमान संप्राप्ति को दर्शाता है और औसत संप्राप्ति आपको पता है कि हमें यदि इसी बिंदु पर औसत संप्राप्ति ज्ञात करनी है तो हम इसे क्या करेंगे मूल बिंदु से मिला देंगे और मूल बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा का ढाल है वो औसत संप्राप्ति को दर्शाएगा तो आपको याद रखना है कि सीमांत संप्राप्ति कुल संप्राप्ति से कैसे ज्ञात करते हैं और औसत संप्राप्ति कुल संप्राप्ति से कैसे ज्ञात करते हैं और इसमें कंफ्यूज भी नहीं होना है ठीक है बच्चों समझ में आया किसी वक्र की प्रवणता को इस बिंदु पर वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता के रूप में परिभाषित किया जाता है कि यदि हमें किसी वक्र का ढाल देखना है तो हमें क्या करनी होगी उसके समक्ष स्पर्श रेखा खींचनी होगी और उस स्पर्श रेखा का जो ढाल है वही उस वक्र की ढाल को दर्शाएगा अब इस वक्र का ढाल क्या है सीमांत आगम तो सीमांत आगम ज्ञात करने के लिए हम कुल आगम के किसी बिंदु पर जिस पर हमें सीमांत आगम ज्ञात करना है उसके तो समक्ष स्पर्श रेखा खींचेंगे स्पर्श रेखा का जो ढाल है वही सीमांत आगम को दर्शाएगा अरे बच्चों समझ में जब कुल संप्राप्ति में वृद्धि होती है तो सीमांत संप्राप्ति धनात्मक होती है अब हम ये जो कुल संप्राप्ति है उसके विभिन्न बिंदुओं पर हम स्पर्श रेखा खींचकर इसका ढाल प्राप्त कर लेते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है सीमांत संप्राप्ति वक्र जो किस प्रकार से प्राप्त होता है इस प्रकार से ये हमारा है एम वक्र आपको याद रखना है कि जो कुल आगम वक्र है उसका आकार कैसा होता है हमने बताया था ना कि उसका आकार होता है उल्टे यू वाला है ना और पर, परवलय होता है ये हमने बताया था ये द्विघा समीकरण होता है इसका इसीलिए कैसा होता है ये सरल रेखा ना होकर एक परवलय के रूप में होता है इसके बाद हम यदि हम सीमांत आगम की बात करें तो हम कुल आगम का जो ढाल है वक्र का ढाल है वही सीमांत आगम को दर्शाता है तो सीमांत आगम वक्र कैसा होता है कि जब तक कुल संप्राप्ति में वृद्धि होती रहती है तो सीमांत आगम क्या होता है घटता हुआ होता है ठीक है जब कुल आगम क्या हो जाता है अधिकतम हो जाता है इस बिंदु पर कुल आगम क्या हो गया है अधिकतम तो सीमांत आगम क्या हो जाता है शून्य हो जाता है जब कुल आगम घटता होता है तो सीमांत तो आगम क्या होता है ऋणात्मक होता है यही कुल आगम और सीमांत आगम में संबंध है जो कि आपको याद रखना है ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि जब कुल संप्राप्ति में वृद्धि होती है ये वृद्धि हो रही है अर्थात यहाँ पर ढाल बढ़ता हुआ है तो सीमांत संप्राप्ति कैसी है धनात्मक है मतलब घटती हुई तो होती है लेकिन कैसी है धनात्मक है ये जो हम ये देख रहे हैं अक्ष एक्स अक्ष इसके ऊपर है इसका मतलब क्या है धनात्मक इस अक्ष के जब नीचे आ जाएगी अमार इसका मतलब क्या हो जाएगी ऋणात्मक और इस अक्ष के ऊपर रहेगी अक्ष के तो इसका मतलब होगी शून्य तो इस अक्ष से क्या रहती है ऊपर जब तक कुल आगम क्या होता है बढ़ता हुआ होता है तो यहाँ पर सीमांत संप्राप्ति है वो कैसी है शून्य है धनात्मक है तो सीमान संप्राप्ति कैसी होती है धनात्मक जब कुल संप्राप्ति में हास होता है तो सीमान संप्राप्ति ऋणात्मक होती है जब कुल संप्राप्ति घट रही होती है तो सीमान संप्राप्ति कैसी होती है ऋणात्मक आप देख रहे हो ना कि कुल संप्राप्ति यहां पर घट रही है तो सीमांत संप्राप्ति कैसी हो गई है ऋणात्मक हो गई है आ आर्य बच्चों समझ में जब कुल संप्राप्ति अधिकतम होती है तो सीमान संप्राप्ति शून्य होती है यहाँ कुल संप्राप्ति क्या है अधिकतम है तो इसके समक्ष यदि हम सीमान संप्राप्ति को देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाती है ये शून्य हो जाती है आ आर्य बच्चों समझ में ये संबंध है कुल संप्राप्ति और सीमान संप्राप्ति में रखना है आपको कि कुल संप्राप्ति वक्र का जो ढाल है वही सीमान संप्राप्ति को दर्शाता है और इसके द्वारा हम सीमान संप्राप्ति का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं सीमान संप्राप्ति के द्वारा हम कुल संप्राप्ति को भी ज्ञात कर सकते हैं तो हमने देखा कि कुल संप्राप्ति का वक्र का आकार हिसाब से होता है उसी हिसाब से सीमांत संप्राप्ति होती है जो कि एक ऋणात्मक ढाल का वक्र होता है जब कुल संप्राप्ति वृद्धि होती है उसमें तो सीमान संप्राप्ति क्या होती है घटती हुई होती है लेकिन कैसी होती है धनात्मक होती है जब कुल संप्राप्ति अधिकतम होती है तो सीमांत संप्राप्ति शून्य होती है जब कुल संप्राप्ति घटने लगती है तो सीमांत संप्राप्ति ऋणात्मक हो जाती है ठीक है बच्चों समझ में आ गया इसके बाद है निर्गत के किसी भी स्तर पर सीमांत संप्राप्ति का मूल्य औसत संप्राप्ति के संगत मूल्य से कम होता है अब हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे अभी तो हमने टी और एम में संबंध देखा ये जो हमने भी पढ़ा वो था हमारा टी आर व एम में संबंध याद रहेगा आपको इसके बाद जो अब हम देखते हैं वो देखते हैं हम ए और एम में संबंध ठीक है हमने जो पिछला जो वीडियो था उसमें हमने ए आर ज्ञात करना सीख लिया था कि किस प्रकार से हम टी आर से ए आर वक्र ज्ञात करते हैं तो ए आर वक्र भी कैसा होता है जो एम आर वक्र है उसी की तरह ऋणात्मक का होता है लेकिन हमेशा कैसा होता है धनात्मक होता है एम आर तो क्या होता है धनात्मक भी होता है शून्य भी होता है ऋणात्मक भी होता है जबकि जो ए आर वक्र है वो इस तरीके से केवल क्या होता है धनात्मक ही होता है ठीक है अब इन दोनों में क्या संबंध होता है यहां देख लेते हैं कि यदि औसत संप्राप्ति वक्र अर्थात मांग वक्र हमने पढ़ा था कि ए वक्र ही क्या होता है फर्म का मांग वक्र होता है अति प्रमण होता है तो सीमान संप्राप्ति वक्र औसत संप्राप्ति वक्र से अधिक नीचे रहता है आपको एक बात याद रखनी है कि जो एआर वक्र है वो हमेशा ऊपर होता है और एम आर वक्र हमेशा क्या होता है नीचे होता है याद रहेगा जैसे हमने यहाँ बनाया है एआर हम वक्र हमेशा ऊपर रहता है और हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है जबकि एम आर वक्र क्या होता है नीचे होता है और ये ऋणात्मक भी होता है धनात्मक भी होता है और शून्य भी होता है ठीक है अब इन दोनों के बीच में दूरी कितनी रहे ये यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी रहती है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि औसत संप्राप्ति वक्र अर्थात एआर वक्र अर्थात मांग अर्था वक्र अति प्रवण होता है अर्थात अधिक ढालू होता है तो सीमांत संप्राप्ति वक्र औसत संप्राप्ति वक्र से अधिक नीचे रहता है हम यहाँ बना के देख लेते हैं ये ढालू अधिक अति प्रवण अधिक ढाल वाला होता है अर्थात बेलोचदार होता है ठीक है तो हम यहाँ पर बना लेते हैं ये हमारा ए बन गया ठीक है और हम यहाँ पर बना लेते हैं ये हमारा एम बन गया तो जब ये होते ए आर और एम आर अधिक प्रवण है तो एम आर भी अधिक होगा, तो ये की स्थिति में इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है अधिक होती है यहाँ ये यह लिखा है कि अतिप्रवण होता है तो सीमांत संप्राप्ति वक्र औसत संप्राप्ति वक्र से अधिक नीचे रहता है एम वक्र एआर वक्र से अधिक नीचे रहता है दूसरी और यदि औसत संप्राप्ति वक्र की प्रवणता कम होती है तो औसत संप्राप्ति वक्र और सीमांत संप्राप्ति वक्र के बीच उधरवाधर दूरी क्या होती है कम ये तो अति प्रवणता की स्थिति हो गई और यदि कम प्रवण होता है मान लिया औसत आगम वक्र इस तरह से कम प्रवण है तो जो इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो क्या होगी कम हो जाएगी देख रहे हो ना इन दोनों के बीच की दूरी जब अति प्रमाणता की स्थिति है तो अधिक है और जब कम प्रमाण है अर्थात कैसे हैं ढालदार है लोचदार है तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है कम होती है तो आपको याद रखना है औसत आगम और सीमांत आगम में संबंध को कि औसत आगम और सीमांत आगम वक्र दोनों ही कैसे होते हैं ऋणात्मक ढाल के होते हैं लेकिन औसत आगम वक्र हमेशा धनात्मक होता है जबकि सीमांत आगम वक्र धनात्मक भी होता है शून्य भी होता है ऋणात्मक भी होता है औसत आगम वक्र हमेशा क्या होता है ऊपर की ओर स्थित होता है और सीमांत आगम वक्र हमेशा नीचे की ओर स्थित होता है औसत आगम वक्र की आकृति यदि अति प्रवण है अर्थात अधिक बेलोचदार है तो सीमांत आगम और औसत आगम वक्र के बीच जो अंतर है है वो वो क्या होगा अधिक होगा अधिक अधिक लेकिन यदि औसत आगम आगम और सीमांत वक्र उनके वो वो कैसे हैं ढालदार है अर्थात कैसे हैं लोचदार है अर्थात कम प्रवण है तो क्या होगा दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी आ रहा है बच्चों समझ में इस तरीके से आपको इसका डायग्राम भी बनाना है यहाँ पर आप लिख दीजिए ए आर और एम आर ये हो गया क्यू यहाँ पर भी इस तरीके से ए आर और एम आर और यहाँ पर ये क्यू आ रहे बच्चों समझ हुए इसके बाद है सीमान संप्राप्ति और मांग की कीमत लोच एम आर जो सीमान संप्राप्ति है उसका मांग की कीमत लोच से भी संबंध होता है तो हमने मांग की कीमत लोच अच्छे से पढ़ी थी लेसन सेकंड में तब हमने पढ़ा था कि मांग की कीमत लोच कैसी होती है इकाई से अधिक होती है इकाई के बराबर होती है और इकाई से कम होती है ये तीन स्थिति दर्शाती है एम वक्र के आधार पर कैसे बनाते हैं हम यहां पर ये हमारा बन रहा है एम आर वक्र ठीक है तो हम ये देख रहे हैं कि एम आर वक्र क्या है धनात्मक भी है शून्य भी है और ऋणात्मक भी है तो एमआर वक्र जब तक धनात्मक होता है तो मांग की लोच होती है इकाई से अधिक याद रहेगा और जब एम आर वक्र क्या हो जाता है शून्य होता है तो मांग की लोच हो जाती है इकाई के बराबर ठीक है और जब एम आर वक्र ऋणात्मक हो जाता है तो मांग की लोच होती है इकाई से कम ठीक है बच्चों इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो सीमांत आगम वक्र है वो मांग की कीमत लोच को भी दर्शाता है कि जब सीमांत आगम वक्र क्या होता है धनात्मक होता है अर्थात हम इसको, इसको इसके आधार पर भी देख सकते हैं कुल आगम वक्र के आधार पर भी कैसे कि ये जो स्थिति है यहां तक तो होती है मांग की लोच इकाई से अधिक ये जो स्थिति है जहाँ पर एम क्या होता है शून्य हो जाता है यहाँ पर होती है मांग की लोच इकाई के बराबर और जब टी घटने लगता है तो मांग की लोच हो जाती है इकाई से कम क्योंकि यहाँ एम आर ऋणात्मक हो जाता है तो इस आधार पर आप मांग की कीमत लोच भी देख सकते हैं यहाँ पर यही है कि सीमान संप्राप्ति के मूल्य का संबंध मांग की कीमत लोच के साथ भी होता है कि जब सीमान संप्राप्ति का मूल्य क्या होता है धनात्मक होता है आप ये देख रहे हो ना यहाँ तक क्या है ये धनात्मक है तो मांग की कीमत लोज एक से अधिक होती है इकाई से अधिक होती है इसके बाद है जब सीमान संप्राप्ति का मूल्य ऋणात्मक होता है तो इकाई से कम हो जाती है जब सीमान संप्राप्ति का मूल्य क्या है ऋणात्मक है तो मांग की कम कीमत लोच कैसी हो जाती है इकाई से कम क्यों क्योंकि जैसे जैसे वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है सीमान संप्राप्ति का मूल्य क्या होता है घटता है जैसे जैसे वस्तु की मात्रा बढ़ती चल जाएगी सीमांत संप्राप्ति क्या होती चल जाएगी घटती चली जाएगी और मांग की कीमत लोच भी क्या होती चली जाएगी कम होती चली जाएगी इसका कारण यहाँ पर यह दर्शाया हुआ है कि जैसे जैसे हम अधिक इकाई को बिक्री करते चले जाएंगे तो कुल आगम है उसमें परिवर्तन होता चला जाएगा तो मांग की कीमत लोच घटती चली जाएगी इसीलिए प्रारंभ में मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होती है बाद में इकाई के बराबर हो जाती है और उसके बाद इकाई से कम हो जाती है और कब कब होती है ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जब सीमांत आगम वक्र धनात्मक होता है तब इकाई से क्या होती है अधिक होती है जब सीमांत आगम वक्र शून्य हो गया तो इकाई के बराबर हो गई और जब सीमांत आगम वक्र ऋणात्मक हो जाता है तो मांग किलो इकाई से कम हो जाती है कुल आगम में भी आप ये देख रहे हैं कि जब कुल आगम बढ़ता हुआ होता है तो मांग की किलो चिकाई से अधिक होती है जब कुल आगम अधिकतम हो जाता है तो मांग की किलो जिकाई के बराबर हो जाती है और कुल आगम जब घटता हुआ होता है तो मांग की कीमत लो इकाई से कम हो जाती है ठीक है बच्चों याद रहेगा तो जब सीमांत संप्राप्ति का मूल्य शून्य होता है तो मांग की कीमत लोच इक्कीस के बराबर होती है ठीक है बच्चों तो यहाँ पर हमने जाना सीमां संप्राप्ति वक्र क्या होता है इसे किस प्रकार से ज्ञात करते हैं कुल संप्राप्ति वक्र के द्वारा इसके बाद हमने सीमान संप्राप्ति वक्र का कुल संप्राप्ति वक्र से संबंध देखा उसके बाद हमने कुल संप्राप्ति वक्र और सीमान संप्राप्ति वक्र को किस प्रकार से ज्ञात किया वो डायग्राम बनाया सीमान संप्राप्ति वक्र औसत संप्राप्ति वक्र में क्या संबंध है ए आर और एम आर में वो हमने देखा विडाइग्राम डाइग्राम की अति प्रमण होता है तो क्या स्थिति होती है कम प्रमण होता है तो क्या स्थिति होती है इसके बाद हमने जो सीमान संप्राप्ति वक्र है उसका लोच के साथ संबंध देखा तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस जो वीडियो में से मल्टीपल क्वेश्चन बन रहे हैं टी और ए में क्या संबंध है टीआर और एम में क्या संबंध है एआर एम एमआर में क्या संबंध है और एम और मांग की कीमत लोच में क्या संबंध है टी मांग की कीमत लोच में क्या संबंध है वो भी हमने यहां पर देखा ठीक है बच्चों समझ में आ गया इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे कि एकाधिकार में अल्पकालीन संतुलन किस प्रकार से स्थापित होता है यदि फर्म की लागत शून्य होती है तो किस प्रकार होता है और उसकी हम पूर्ण प्रतिस्पर्धा से तुलना को भी देखेंगे ठीक है बच्चों तब तक के लिए आप अच्छे से याद कीजिएगा डायग्राम है उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा सारी चीजों को अपने दिमाग में रखिएगा और कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा मेरे साथ बने रहिए पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए थैंक यू